राइट गाइस, तो कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम बनाने वाला है हाइड्रोपोनिक का प्लांट। तो ये हाइड्रोपोनिक क्या होता है ये हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और हाइड्रोपोनिक में हमें एक पाइप लेना होता है, उसके अंदर हम पौधे लगाएंगे। तो ये हाइड्रोपोनिक गाइस उस जगह पे काम में आता है जहाँ पे जगह की कमी होती है या फिर पानी की कमी होती है, और ये रेतीली जगहों पे और जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप आपके जो आपके घर पे भी अगर कम जगह हो तो आप उसको आपके घर पे भी या आपके टेरेस पे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे एक पाइप लेना होगा और उसके ऊपर हमें यहाँ पे एक एक इंच पे यहाँ पे छेद करने होंगे। तो हमने इस पाइप के ऊपर छेद कर दिए हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट को पूरा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से बनता है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं और देखते हैं। उसके लिए हमें, आपको देख सकते हैं, हमें एक एक पानी की मोटर लेनी होगी जो आपको कहीं पे भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगी, और ये डिस्पोजल, और हम इसके अंदर थोड़े दवाइयों के लगा देंगे और इसके अंदर हम पौधे लगाने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए प्रोजेक्ट पूरा कम्प्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरे एक एक इंची पर छेद कर दिए हैं, पूरी हमने छोटे छोटे छेद कर दिए जिसमें हमारी ये डिस्पोजल बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगी, और हम उस डिस्पोजल में पौधे लगाने वाले हैं। हाइड्रोपोनिक के अंदर जो है डिस्पोजल में पौधे लगाए जाते हैं गाइस। उसके अंदर फिर हम छेद कर देंगे छोटे छोटे ताकि इसको पानी और इसके जो भी इसके दवाई वगैरह वो इसको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को पूरा कम्प्लीट करते हैं। राइट गाइस, तो हमारे जो मुँह के ऊपर हम ये केप लगा देंगे और इसके अंदर हम ये पाइप लगाने वाले हैं जिससे कि हमारी जो ये मोटर है उसके अंदर हम इस पाइप को फिट कर देंगे। हम इसको बिल्कुल एमसील और फेविक्यूब की मदद से पूरा चिपका देंगे ताकि ये लीक ना हो पानी हमारा इसके अंदर से। चलिए पाइप तो हमारा चिपक गया है, इसको साइड में रखते हैं। गाइस, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा छेद किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल। हम इस छोटे छेद के अंदर यहाँ पे इस पाइप छोटे वाली जो हमारी पाइप है उसको फंसा देंगे ताकि जो हमारा जो इसके अंदर जो पानी भरेगा वो वापस इसकी मदद से धीरे धीरे वापस से बाहर आ जाएगा, और हमारा पानी जो है ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, और वापस हमारा वो जो पानी है वो वापस हम काम में ले लेंगे। राइट गाइस, तो आप हमारा सेटअप देख सकते हैं। हमने जो हमारे टेरेस के ऊपर जो हमारी ये एंगल है हमने उसके ऊपर हमने ये हाइड्रोपोनिक का प्लांट लगाया, आप देख सकते हैं। और हमने ये यहाँ पे रिफिल लगा दिए जिससे जरिए कि इसका जो अंदर का पानी है वो वापस रिवर्स होके आ जाएगा, और हम इस कोने के ऊपर ये लगाने वाले हैं। इधर वाले मुँह पे हम ये ढक्कन लगा देंगे इसका। राइट गाइस, तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लगाने वाले पानी का मोटर, हम पानी का मोटर इसके अंदर लगा देंगे, और फिर जो हमारे खाद वाद का जो पानी है वो हम इसके जरिए इसके पौधों के अंदर भेजने वाले हैं। जो मैं एक दिन के अंदर हम तीन बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, हमें एक दिन के अंदर तीन बार इनको पानी देना होगा जिससे कि हमारे पौधे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से वर्किंग करेंगे और अच्छी तरह से इसके अंदर लग जाएंगे, और वो अच्छी तरह से इसके अंदर हमारे जो है जिस चीज़ के भी हमारे पौधे होंगे वो इसके अंदर अच्छी तरह से रह पाएंगे। तो चलिए अब हम जो है हमारे इसके अंदर पौधे लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि, तो चलिए हम पौधे किस तरह लगाने वाले हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारी जो डिस्पोजल है हम इसके अंदर वो पौधे लगाने वाले हैं। तो हम एक एक डिस्पोजल को इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम पौधे लगाने वाले हैं। तो चलिए राइट गाइस, तो चलिए डिस्पोजल के अंदर पौधे लगाते हैं और उसके बाद हम इस पाइप के अंदर लगाने वाले हैं। तो हम डिस्पोजल में पौधे किस तरह लगाएंगे, तो इसके अंदर हमको मिट्टी नहीं डालनी होगी गाइस, हमें इसके अंदर डालना होगा ये नारियल का छिलका। तो हाइड्रोपोनिक के अंदर जो है नारियल के छिलके के अंदर जो है ये पौधे लगाए जाते हैं, तो हमें नारियल के छिलके को कुछ इस तरह लगाना होता है। अब देख सकते हैं पहले हम इसके अंदर नारियल का छिलका डाल देंगे, उसके बाद जो हमारा पौधा है उसको लगा देंगे, लेकिन हमें पौधे की सारी मिट्टी को जो है उतारना होगा। तो गाइस चलिए पहले सारी मिट्टी को उतार देते हैं, और ध्यान रखना होगा कि इसकी एक भी जड़ टूटे नहीं, अगर जड़ टूट गई तो हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस पौधे को जो है इसके अंदर लगा देते हैं।
हमें बिल्कुल इस तरह से इस पौधे को इसके अंदर लगा देना होगा। बस इसी तरह से इसको लगा के छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है हमें गाइस, तो ब्लेड से हमें जो है यहाँ पे थोड़े से कट लगा देंगे ताकि इसके अंदर जो हमारे खाद वाद का पानी है वो इसके अंदर आराम से पहुँच जाए और पौधे को अच्छी तरह से ये इसका खाद का पानी मिल जाए। और उसके बाद जो है हमारा पौधे को हम इस तरह से इसके अंदर फिट कर देंगे। अब देख सकते हैं हम इसके अंदर फिर इस पौधे को इस तरह से लगा देंगे। हमने इसी तरह गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने सारे पौधे जो है हमने इसी प्रकार से लगा दिए। तो चलिए अब हम इस हाइड्रोपोनिक के अंदर, यहाँ पे एक पौधा रह गया तो चलिए एक पौधा और लगा देते हैं उसके बाद देखते हैं। ऑलराइट गाइज, तो आप देख सकते हैं हमने सारे पौधे लगा दिए, तो चलिए अब इसके अंदर पाइप कनेक्शन करते हैं जिससे कि हमारा जो खाद का पानी है वो इसके अंदर पहुंच जाएगा। तो ये हमारे जो रिफिल है हम इसको लगा देंगे और फिर इसको पानी में पटक देंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम इसको चालू करेंगे जिससे कि हमारा जो पानी, जो हमारे दवाइयों का पानी है वो सारा हमारे इन पौधों के अंदर वर्किंग करेगा। देख सकते हैं आप, हमने यह पूरा सेटअप लगा दिया है और हमने एक छोटी सी रिफिल लगाई है जिससे कि वहाँ से जो धीरे धीरे हमारा सारा पानी जो है वापस इसी के अंदर आ जाएगा और जो हमारे पौधे हैं फिर से हम उसको वापस इसके अंदर पानी डाल देंगे और इस पाइप के जरिए धीरे धीरे पानी वापस इसके अंदर आ जाएगा, उससे कि हमारा जो पानी है वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और हमारी दूसरी दवाइयों की मदद से हमारे सारे पौधे जो है हमारे वर्किंग करेंगे। तो चलिए इस मशीन को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा सारा प्लांट रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर पहले दवाइयों का पानी बनाते हैं और उसके बाद हम अपनी मशीन को चालू करेंगे। देख सकते हैं हमारा जो है दवाइयों का पानी भी पूरी तरह से तैयार है और हमारी मशीन भी हमने लगा दी है। तो चलिए स्विच को ऑन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर ये पानी अच्छी तरह से वर्किंग करेगा या फिर नहीं। और इस छोटी वाली जो हमारी पाइप है उसको भी हम इसी के अंदर गिरा देंगे ताकि वो जो पानी वापस है रिटेन इसी के अंदर आएगा। तो हमारा हाइड्रोपोनिक का प्लांट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आपको तो पता ही चल गया होगा कि इस प्लांट को हमने किस तरह से बनाया ये वीडियो। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारे हाइड्रोपोनिक का प्लांट बिल्कुल अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। आप देख सकते हैं ये पानी बिल्कुल से उधर जाके वापस से रिटर्न इसी के पाइप के जरिए वापस इसके अंदर आ रहा है हमारी दवाई का पानी और हमारे पौधे भी बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। तो ये प्लांट आप घर पे भी बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। हाइड्रोपोनिक का प्लांट है गाइस, आपके घर पे अगर कम जगह हो तो आप घर पे बिल्कुल आसानी से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।